हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं टेक्निकल दर्शन। मैं आपका अरिश बात कर रहा हूँ दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा डबल डोर इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर में डिफॉल्ट सेंसर खराब हो गया तो उसे कैसे हम चेक करना है, ये खराब है। ठीक है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिए दोस्तों, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइक ना दबाना भूल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चेक करता है डबल डोर रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर सेंसर खराब हो गया तो हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर में आपको रखना पड़ेगा 20 के रखना पड़ेगा। देखिए 20 के ओम्स रखना पड़ेगा। आप हम इसका पहले चेक करेंगे दोस्तों, इसका सैमसंग का चेक करेंगे। आपको दिखाने के लिए मैं इसका अडाप्टर का कट कर दिया हूँ, आपको इसे अच्छे से दिखेगा। आपको अब देखिए, आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में इसका होम शो हो रहा है, इसका रजिस्ट्रेशन शो हो रहा है दोस्तों। मैं थोड़ा इसको थोड़ा गर्म करता हूँ, अब देख सकते हैं इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका वैल्यू कम हो रहा है। अभी हम इसको आइस में लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब मैं फिर से इसको थोड़ा गर्म करता हूं तो ये फिर से इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर फिर से डाउन हो रहा है। दोस्तों एक खराब हो गया तो मल्टीमीटर में इसमें कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा ही चेक करना पड़ता है। चलिए चेक करते हैं दूसरा वाला। चलिए फ्रेंड्स, चेक करते हैं नेक्स्ट वाला। आप देख सकते हैं ये गोडरेज का है दोस्तों। इसका साथ और एक आता है, थर्मोफिस भी आता है। मैं काट दिया हूँ आपको चेक करने के लिए, आपका इसके अच्छे से दिखेगा। आपको इसका वैल्यू चेक करता है दोस्तों। देखिए इसमें भी सेम दिखा रहा है। थोड़ा आज से इसको भी थोड़ा गर्म करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं इसका भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसको भी हम आइस में लगाएंगे। देखिए इसका टेम्परेचर और बढ़ जाएगा अभी। देखिए दोस्तों, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं एलजी, सैमसंग, गोडरेज, कौन सा भी कंपनी हो दोस्तों, चेक करने का तरीका एक ही होता है। दोस्तों चलिए चेक करते हैं एलजी का दोस्तों। देखिए एलजी का है दोस्तों, इसका अंदर दो होता है, एक थर्मोफ्रिज होता है और एक सेंसर भी होता है। इसको नीचे कर देंगे, इसका अडाप्टर मैं काट दिया हूँ दोस्तों आपको दिखाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में कुछ भी शो नहीं कर रहा दोस्तों। चलिए अभी इसको आइस में डालता है। देखिए दोस्तों, आइस में डालने पर भी एक कुछ भी शो नहीं कर रहा, और गर्म थोड़ा गर्म करता हूँ तो फिर भी कुछ भी शो नहीं कर रहा दोस्तों। दोस्तों देखिए इस तरीके से काम करता है दोस्तों, ये खराब हो गया तो कुछ भी शो नहीं करता। ठीक है दोस्तों। दोस्तों चलिए चेक करते हैं बाई मेटल। दोस्तों बाई मेटल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी डालना पड़ता है दोस्तों। वो बीप साउंड आता है ना, उस पर डालना पड़ता है। देखिए बीप साउंड आ रहा है। अभी हम इसको चेक करेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। देखिए देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं दिखा रहा। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, मल्टीमीटर कुछ भी नहीं शो नहीं कर रहा दोस्तों। इसको चेक करने के लिए इसको आइस में डालना पड़ता है। आइस में डालने के बाद भी एक कंटिन्यूटी आना चाहिए, कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो ये खराब माना जाता है। चलिए दोस्तों इसको आइस को डाल के चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अभी इसको चेक करते हैं। इसको थोड़ा पास में ले लूंगा, आपको दिखेगा थोड़ा। आप देख सकते हैं इसमें अभी कंटिन्यूटी आ रहा है दोस्तों। अभी इसको मैं बाहर निकालूंगा। देखिए अभी थोड़ा आस थोड़ा गर्म करता हूँ इसको। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मल्टीमीटर में इसे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, देखिए मल्टीमीटर वर्क कर रहा है, फिर भी इसमें बीप साउंड नहीं आ रहा, कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? ये माइनस डिग्री से प्लस डिग्री में आ गया, इसीलिए नहीं दिखा रहा। आपको भी ऐसे चेक करना पड़ता है। ये माइनस डिग्री में कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए, ना कि प्लस डिग्री में। प्लस डिग्री में ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो ये खराब होता है, आपको इसको चेंज करना पड़ता है दोस्तों। ये तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं।